एवरीवन, वेलकम टू किचन जैम। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घिया का बिल्कुल हल्का फुल्का नाश्ता, और बिना तेल के बना करके हम इसे तैयार करेंगे। और घर में ये सभी को पसंद आने वाला है, बच्चे तो इसे पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये घिया का नाश्ता है। रोज़ यही बनाने की जिद करेंगे, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, और साथ में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटनी, ये नाश्ते का दोगुना स्वाद बढ़ा देगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 300 ग्राम की कच्ची घिया ले ली है, और इसे मैंने छील लिया है। तो मैं इस घिया का अंदर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी। अगर आपके घिया में पक्के बीज हों तो आप उसे हटा सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस में पूरी घिया को कट कर लिया है। अब जार लेंगे और जार के अंदर सारी घिया को डाल देंगे। अब डाल देंगे 2 से 3 अदरक के टुक और 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ पर डाल देंगे 10 से 11 करी पत्ते। करी पत्ता डालने से यह नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि घिया के अंदर खुद के अंदर ही पानी है। तो बिल्कुल कच्ची घिया थी, एक बार में पीसते ही इसका पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। तो जितना हो सके ना इसे थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है, और सारे पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। तो मैंने चावल को मिक्सी जार में डाल करके बारीक पीस लिया है। तो आप कोई भी वैरायटी के चावल ले सकते हैं, हल्के फुल्के टूटे हुए, तो आप इन्हें पीस करके आप इसका पाउडर बना सकते हैं। और पीसने के बाद में इसे छान लेना है ताकि थोड़ा सा बारीक हो जाए। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे, एक बार पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब 1/2 कप दही डाल देंगे। आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दही डालने से नाश्ता स्वादिष्ट बनेगा। अब दही को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। तो दही मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसे 10 मिनट तक के लिए ढक करके रख देंगे। अब इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो आटा भी अच्छे से फूल चुका है और ये थोड़ा थिक भी हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी लिया है। तो पूरा नहीं डालेंगे, आधे में से आधा पानी ही डालना है, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में देखेंगे कि किस तरह की कंसिस्टेंसी हुई है। तो पानी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है। ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना पतला है, बीज की सी है इसकी कंसिस्टेंसी। तो मैंने आधे में से आधा पानी डाला था, तो 1/2 कप दही डाला है और 1/4 कप पानी डाला है। तो अब पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अब डाल देंगे 1/2 नींबू का रस। अब धनिया पत्ता डाल देंगे। अब 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से नाश्ता स्वादिष्ट भी बनेगा और ये सॉफ्ट भी बनेगा अंदर से। तो आप ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं तो। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब इस पेस्ट में मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बिना मसाले के ही बनाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट हल्का फुल्का नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब डाल देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला मीठा सोडा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इनो का पाउच भी आधा इसमें डाल सकते हैं। अब 2-4 बूंद पानी की डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बेकिंग सोडा को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो सेट करने के लिए पेस्ट एकदम से परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है, और इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो आप कोई भी थाली या प्लेट वगैरह ले सकते हैं इस नाश्ते को सेट करने के लिए। अब ये पेस्ट सारा इस ट्रे के अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसे सेट कर देंगे। तो सारे पेस्ट को मैंने समान रूप से बराबर कर दिया है। अब गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई पहले से ही तैयार करके रख दी थी। तो इसके अंदर 2 ग्लास पानी डालना है, और कोई भी आप स्टैंड वगैरह नहीं है तो आप कोई भी कटोरी रख सकते हैं। और अब इस ट्रे को रख देंगे और 15 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो अब यहाँ पर इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक करेंगे। तो इस तरह से कोई भी चाकू लेना है तो आप देख सकते हैं चाकू एकदम से क्लीन आया है। तो नाश्ता हमारा एकदम से तैयार है पक करके, और इस तरह से आप हाथ से भी देख सकते हैं। अब इसे बाहर निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर नाश्ता हमारा एकदम से ठंडा हो चुका है। अब एक चाकू लेंगे और चाकू की सहायता से चारों तरफ से इसे अलग कर लेंगे। अब इसे एक प्लेट पर डीमोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा थपथपाएंगे।
तो ये आराम से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं नाश्ता एकदम से अच्छे से सेट हो गया है। अब चाकू की सहायता से इसे कट कर लेंगे। आप इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। तो ये एकदम से स्पॉन्जी और एकदम से मुलायम बना है। कट करने में नाश्ते में पता चल जाता है कि कितना अच्छे से पक कर के ये तैयार हुआ है। तो नाश्ते को मैंने कट कर लिया है। अब इसके साथ में खाने के लिए बहुत ही टेस्टी सी चटनी बना करके तैयार करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक जार रख दिया है और एक कप रोस्टेड मूंगफली डाल देंगे। तो इन मूंगफली को मैंने सेक लिया था पहले। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दो बड़े बड़े पीसेस कट करके कच्चा नारियल। आप सूखा वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्चे वाले नारियल से बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी। और अब डाल देंगे 3 से 4 साबुत हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। और अब डाल देंगे धनिया पत्ता और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और 1/4 कप दही डाल करके बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। तो अब इसे एक बर्तन में डाल देंगे। तो चटनी थोड़ी सी गाढ़ी है, 1/4 गिलास पानी भी डाल देंगे। और आपको ये चटनी थोड़ी ज़्यादा ही बनानी है। इस नाश्ते के साथ में ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो कम पड़ सकती है, इसलिए आपको ज़्यादा बनानी है। अब पानी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इस चटनी को और भी स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ पर तड़का लगाएंगे। तो मैंने एक पैन के अंदर तेल डाल लिया था और सरसों के दाने अच्छे से चटकने के बाद में मैंने करी पत्ते डाल दिए हैं और तड़का लगा दिया है मैंने, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चटनी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हो गई है नाश्ते के साथ खाने के लिए। तो इस चटनी को आप फ्रिज में रख देंगे ना, तो 6 से 7 दिनों तक ये ख़राब नहीं होगी। और इडली डोसा के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो नाश्ता और चटनी हमारे दोनों बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये एकदम से सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। और इस चटनी के साथ खाइए, आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा ये नाश्ता। तो आप ज़रूर से बना के देखिएगा। ये घर में रखे सामान से हल्का फुल्का नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा और ये घर में सभी को पसंद आएगा। अगर आपको ये नाश्ता की रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।